डेयरी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का वो फील्ड है जिसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डील किया जाता है। इसे अगर थोड़ा सा इलैबोरेट करें तो डेयरी टेक्नोलॉजी चार पार्ट्स में डिवाइड होती है। B.Tech डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स चार पिलर्स पे खड़ा है। पहला पिलर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि श्रीखंड, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर वगैरह, इनकी प्रोसेसिंग टेक्निक्स को सिखाता है कि कैसे कम से कम वेस्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके। दूसरा पिलर है डेयरी इंजीनियरिंग, जो कि डेयरी प्लांट कैसे लगाया जाए, कैसे उनकी मशीनरीज का सिलेक्शन किया जाए, कैसे उन मशीन से मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए, ये सारी चीज़ें डेयरी इंजीनियरिंग में डील होती है। तीसरा पार्ट है डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। हम सब जानते हैं मिल्क पेरिशेबल प्रोडक्ट है, दूध की शेल्फ लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और मिल्क प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक खाने लायक रखना, ये सारी चीज़ें डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में डील होती है। चौथा पिलर है डेयरी मैनेजमेंट। डेयरी मैनेजमेंट में डेयरी प्लांट को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक बातें बताई जाती है और मैनेजमेंट गुर सिखाए जाते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th साइंस बायो ग्रुप या साइंस मैथमेटिक्स ग्रुप से किया है, वो B.Tech डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। B.Tech डेयरी टेक्नोलॉजी चार साल का कोर्स है जिसमें कुल 8 सेमेस्टर्स हैं। 2 सेमेस्टर्स में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे स्ट्रेस करते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जॉब प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया में अभी तकरीबन 800 डेयरी प्लांट्स हैं, 180 से अधिक डेयरी मशीनरीज बनाने वाली कंपनियां हैं। ये कंपनियां डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट को रिक्रूट करती हैं। इस समय इंडिया में लगभग 750 डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट्स एवरी ईयर पास आउट होते हैं। तो इस रेशियो को देख के हमें लगता है कि डेयरी टेक्नोलॉजी में जॉब प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट डेयरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए नेस्ले, अमूल डेयरी, मदर डेयरी, वॉरकार्ट, ये कई सारी कंपनियां हैं जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करती हैं। वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं। इंडिया में कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेयरी इंडस्ट्री में रिसर्च करती हैं, वहाँ पर एज ए रिसर्च साइंटिस्ट डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट्स वर्क कर सकते हैं। विदेशों में भी इंडिया के डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट्स की काफ़ी डिमांड है। कंट्रीज़ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब अमीरात, इन कंट्रीज़ में डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट को जॉब के लिए अवसर उपलब्ध हैं। जो स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, वे अपना खुद का बिजनेस डेयरी सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी के साथ लगा सकते हैं। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन राजस्थान ऑफरिंग दिस कोर्स। हमारी स्ट्रेंथ है प्रैक्टिकल अप्रोच। फर्स्ट ईयर से ही हम अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देना शुरू कर देते हैं। हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट में शुरू से ही डेयरी के विभिन्न उत्पादों को बनाने की जानकारी दी जाती है। एक सेमेस्टर के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को किसी डेयरी इंडस्ट्री के साथ अटैच कर देते हैं, तो एक सेमेस्टर के लिए ऑन द जॉब वो स्टूडेंट ट्रेनिंग लेता है और बाय द टाइम हमारे इंस्टीट्यूट से B.Tech पास करके स्टूडेंट निकलता है, ही इज़ वेल अवेयर कि इंडस्ट्रीज़ में काम कैसे किया जाता है या वो अपना बिजनेस लगाता है तो ही नोज़ कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है। वो स्टूडेंट्स जो कि डेयरी सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं, दे शैल कम एंड जॉइन B.Tech डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स
from Pacific University for their bright future.